हाय गाइस, आई एम विकास कुमार एंड यू आर सीइंग द परनवाल ट्यूटोरियल्स। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ICSE एग्जामिनेशन व्हिच आर कंडक्टेड बाय ICSE बोर्ड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कल एक नया नोटिफिकेशन आया है, खास करके 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए, इसमें बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम छूट गया है उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ दो न्यूज़ है जो काफ़ी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आज के इस वीडियो में आपको इस दो न्यूज़ के बारे में बतलाऊंगा, जिससे आप देखकर आप काफ़ी मोटिवेट और इम्प्रेस हो जाएंगे और उनको काफ़ी आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दोस्तों, चलिए आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सो पहला न्यूज़ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, उनका जो एग्ज़ाम छूट गया है उनको डायरेक्टली कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम या फिर लिया जाएगा। और वो भी, ये पहला न्यूज़ था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली वैसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर 10th और 12th का छूट गया है उनका डायरेक्टली कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि ऐसा पहले नियम नहीं था, लेकिन इस बार COVID-19 के कारण ऐसा किया जा रहा है। पहले क्या नियम था, सभी लोग इसके वाकिफ होंगे कि जो भी स्टूडेंट उनका क्रॉस लगता था उनको कंपार्टमेंटल देने का एक चांस दिया जाता था, और इससे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके के द्वारा और वो अपना मार्क्स उठा करके फिर से वो आगे अपना रेगुलर एग्ज़ाम हायर एजुकेशन ले सकते थे। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था पहला। और सेकेंड न्यूज़ है कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनके गार्जियन हैं, जो भी जिस शहर में फंसे हुए हैं उसी में आप उसी सेंटर में, जो भी ICSE के जितने भी सेंटर हैं उसमें आप उसका जाके सेंटर चूज कर करके उसमें आप कलेक्ट करके आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये 7 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी आपका सेंटर है उसमें आप बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। इस तरह का ये दो इम्पोर्टेंट काफ़ी न्यूज़ था जो स्टूडेंट्स के लिए ये राहत भरी खबर है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और वो द्वारा अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो आसानी से अपना बोर्ड, ये एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन सेंटर वो चेंज कर सकते हैं। सो ये आपका दो इम्पोर्टेंट गुड न्यूज़ था जो ICSE के लिए स्टूडेंट्सों के लिए था, जो 10th और 12th में जो पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, जिनका कुछ एग्जामिनेशन COVID-19 कारण छूट चुका था। ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। इसके बाद आगे जो भी न्यूज़ मिलेगा मैं आपके साथ जरूर पहुंचाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।